अगर आप रोहित शर्मा को विश्व का सर्वश्रेष्ठ ओपनर मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम साउथ अफ्रीका दौरे पर अपना बेहतरीन आगाज कर चुकी है, जहां उसने साउथ अफ्रीका को चारों खाने जीत करके पहले टेस्ट मुकाबले में काफी ज्यादा आगे निकल चुकी है, जहां भारतीय टीम का तीनों ही डिपार्टमेंट, चाहे वो गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी या फिर फील्डिंग, हर एक डिपार्टमेंट ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और वहीं आज के दिन मोहम्मद शमी ने 5 साउथ अफ्रीका बल्लेबाजों को पवेलियन भेजकर पूरे क्रिकेट जगत में सनसनी मचा रखी है। और उनके इस प्रदर्शन को देखते हुए रोहित शर्मा ने अपना एक बयान दिया है, तो चलिए हम आपको बताते हैं क्या कहा रोहित शर्मा ने मोहम्मद शमी की गेंदबाजी के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और केएल राहुल में से बेहतरीन ओपनर बल्लेबाज कौन है? आप अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय टीम के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज मोहम्मद शमी आज के दिन शानदार रिदम में नजर आ रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि वो सारे के सारे साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों को क्लीन बोल्ड करके ही पवेलियन भेजेंगे, और उन्होंने शुरुआत भी ऐसी ही की थी। आपको बता दें कि शानदार लय में नजर आ रहे थे साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजी क्विंटन पीटरसन को उन्होंने अपनी बेहतरीन गेंद से बोल्ड कर दिया, और उसके बाद 2021 में साउथ अफ्रीका की तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बल्लेबाज एडन मार्कम को भी उन्होंने अपनी आउट स्विंग के चारों खाने चित कर दिया, और उनको भी बोल्ड करके साउथ अफ्रीका को एक एक करके पवेलियन भेजना शुरू किया। दोस्तों, आपको बता दें कि लंच तक साउथ अफ्रीका के स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 109 रन था, लेकिन वही तीसरे सत्र में एक बार फिर से मोहम्मद शमी ने अपना जादू दिखाते हुए शानदार रिवर्स स्विंग का इस्तेमाल करना शुरू किया, और पारी के 94 ओवर में उन्होंने साउथ अफ्रीका ऑलराउंडर मुल्डर को विकेट के पीछे ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कराकर अफ्रीका को छठा झटका दिया, और उसके बाद और शतक लगाकर बल्लेबाजी कर रहे तेंबा बौमा को भी उन्होंने विकेट के पीछे कैच आउट कराकर अफ्रीकी टीम को झटका देने से फिर से नहीं चूके, और प्रोटियास को 7वां झटका दे डाला, और उनके इस प्रदर्शन की चर्चा पूरे क्रिकेट जगत में हो रही है। और वहीं भारतीय ओडीआई टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने भी मोहम्मद शमी के प्रदर्शन के बारे में अपना एक बयान दिया है। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा ने मोहम्मद शमी की तारीफ करते हुए कहा है कि वो एक शानदार गेंदबाज है, जिनके सामने साउथ अफ्रीका तो क्या किसी भी देश का बल्लेबाज टिक नहीं सकता है। जिस दिन वो अपने रिदम में होते हैं तो उस दिन वो विश्व के सबसे ज्यादा खतरनाक गेंदबाज दिखाई देते हैं, और आज वो अपनी उसी रिदम में है। रोहित शर्मा ने अपने बयान जारी रखते हुए कहा कि उनकी आज की गेंदबाजी देखकर मुझे मुंबई इंडियंस के खिलाफ फेंका गया उनका सुपर ओवर याद आता है, जिसमें उन्होंने 6 की 6 गेंदें यॉर्कर डाली थी और अपनी टीम पंजाब को जीत दिलाई थी, और हम सभी बहुत ज्यादा खुश नसीब है कि मोहम्मद शमी जैसा गेंदबाज हमारे पास है। दोस्तों, रोहित शर्मा के इस बयान को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद शमी साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई श्रृंखला में भारतीय गेंदबाजी क्रम की अगुवाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा रन कौन सा बल्लेबाज बनाएगा? आप अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।